हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुसाइड यानी कि आत्महत्या की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कानून में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो भी वो दोषी माना जाएगा, क्योंकि आत्महत्या करना भी एक गुनाह, एक क्राइम माना गया है। और यदि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है और ऐसे उकसाने से प्रेरित होकर वो आत्महत्या कर लेता है तो भी ये अपराध माना जाएगा, और जिस व्यक्ति ने ऐसा करने के लिए उसे उकसाया है उसको दंडित किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कानून के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊँ इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, ऐसा कहा जा रहा है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो ये जो दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें अपराध की श्रेणी में आती हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके लिए क्या कानून है। अब यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, कोशिश करता है और अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है, और इसके लिए वो कोई प्रयास करता है या फिर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे सुसाइड कमिट हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा करने के बाद बच जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के इस कार्य को अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को आत्महत्या करने की कोशिश के लिए सजा दी जा सकती है, जो कि 1 वर्ष तक हो सकती है, और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद इसका दूसरा पहलू आता है कि कई बार कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है और इस तरह से उकसाता है कि वो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कमिट कर ले, तो इस संबंध में जो कानून है वो आईपीसी के सेक्शन 306 में दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है और ऐसे उकसाने से प्रेरित होकर वो सुसाइड कमिट कर लेता है, तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसको कठोर दंड मिल सकता है। उसकी जो ये सजा है ये 10 साल तक की हो सकती है और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की है इसके लिए बॉलीवुड के कुछ लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है। यदि अप्रूव हो जाता है कि उन्हीं लोगों के उकसाने पर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है तो उन सारे लोगों पर इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत उन पर कार्यवाही करके उनको 10 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सुसाइड पर आज की जानकारी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।